Today we will going to start on the topic of the neutralization and form salt. The process in which an acid completely react with a base to form salt and water is called neutralization. जब कोई एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट करता है किसी के साथ बेस के साथ वो फॉर्म क्या क्रिएट करता है सॉल्ट और वाटर को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. दिस रिएक्शन कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस और ये रिएक्शन एसिड और बेस को कैंसिल करता है. जैसे एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर फॉर एग्जाम्पल इन रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HCl प्लस NaOH ये क्या बना NaCl प्लस H2O. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विल बर्न द स्किन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्किन को बर्न कर देता है. हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस का बेस होता है दैट हार्ड्स ऑन द स्किन. ये भी स्किन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. बट सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन देम सेल्स परफेक्टली सेफ टू ईट. और सोडियम क्लोराइड जो है वो हम प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए किसी भी भोजन को सेफ रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर फॉलोज टू NaOH प्लस H2SO4 जो आपका फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस 2H2O और उसके बाद टू NaOH प्लस HNO3 ये फॉर्म करेगा Na2NO3 प्लस 2H2O और उसके बाद K2OH प्लस H2SO4 ये फॉर्म क्या क्रिएट करेगा K2SO4 प्लस 2H2O. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ कैसे न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में यूज होता है. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ. सम कॉमन एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन एवरी डे लाइफ आर फॉलोज और कुछ ऐसे जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं हम इसको जानेंगे. सबसे पहला इनडाइजेशन. इन अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको पता होगा कि हमारे फूड हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन होता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन. डाइजेशन में हेल्प करता है. हाउएवर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉजेस इनडाइजेशन. अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा तो इनडाइजेशन होता है एंड डिसकम्फर्ट एंड एंटी एसिड टेबलेट्स हेल्प्स टू रिसीव द सिम्टम्स. द एंटी एसिड टेबलेट यूजली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एंटी एसिड टेबलेट जो होता है उसके अंदर कंटेन क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कंटेन होता है. इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड रिसीव द डिस्कम्फर्ट. आगे हम पढ़ेंगे एंटीस्टिंग. व्हेन एन एंट बाइट्स अस वी हैव पेन विद एंड इची फीलिंग. जब चींटी अगर काट लेती है ना तो क्या होता है दर्द होता है और वहाँ पे हल्की सी खुजली होती है. द एरिया बिकम्स रेड एंड इन्फ्लेम्ड और वहाँ का एरिया क्या होता है रेड हो जाता है. दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड और उसमें भी क्या फॉर्म होता है एसिड फॉर्म होता है किसमें वो आंट की जो काटती है अपने अपने स्टिंग से. द इफेक्ट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द इमीडिएटली रबिंग विद अ बेस लाइक मोस्ट बेकिंग सोडा. और हम क्या कर सकते हैं बेकिंग सोडा के साथ हम उसको अगर रब करेंगे जहाँ पे आंट ने काटा है तो क्या होगा हमें रिलीफ मिलेगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलियम सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट. सॉइल व्हेन एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन द फार्मिंग द सॉइल बिकम्स एसिडिक. बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे फार्मिंग के अंदर तो सॉइल का हो जाता है एसिडिक हो जाता है. दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स और ये अच्छा नहीं है प्लांट्स के लिए. टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म्स एंड बेसिस देयर ल्यूकोलाइन जिसको कैल्शियम ऑक्साइड CuO प्लस और एसिटिलेट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं फिर CuOH2. बेसिक सॉइल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट और बहुत सारे ऐसे सॉइल्स हैं वो भी अच्छे नहीं होते प्लांट्स के लिए. क्यों जिसमें हम एसिड ज़्यादा यूज़ करते हैं. टू न्यूट्रलाइज द बेस फॉर फार्मर्स एंड सम ऑर्गेनिक मैटर और टू सॉइल इसलिए हम फार्मर्स जो हैं क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं किसके लिए किस चीज़ के अंदर सॉइल के अंदर जिससे कि उसकी नमी हमेशा बनी रहे. दिस रिलीज सर्टेन एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द सॉइल
और जैसे कि उसके अंदर एसिड की वजह से हम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं, जिससे उसके अंदर सॉइल के अंदर ज़्यादा नमी बनी रहे और उसकी क्या फर्टिलिटी भी काफ़ी समय तक चलती रहे। फोर्थ, फैक्ट्री इन्फ्लुएंट मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट डेट फ्लो इन टू वाटर बॉडीज इन एसिडिक इन नेचर, दे हार्म द फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो जो पानी के द्वारा एसिडिक नेचर से वो अपनी गंदगी फ्लो करते हैं, जैसे कि और उससे होगा क्या, हमारी जो फिश है एक्वाटिक लाइफ, उन सब की लाइफ पे बहुत बड़ा हार्म इफेक्ट पड़ेगा। फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर अलाउइंग देम टू एंटर वाटर बॉडीज। और हमें ये करना चाहिए, उसके अंदर एडिंग करना चाहिए बेसिक सब्सटेंस, जिससे कि प्लांट्स एक्वेटिक लाइफ जो है उनको हार्म नहीं होना चाहिए। किसके अंदर? वाटर बॉडीज के अंदर। थैंक यू, थैंक्स लॉट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स लॉट।